बेटी पढ़ाओ, या तो बेटी को बता दो जय जवान जय किसान, दिल्ली में सुरक्षा करते हो, महिला को सशक्त बनाए, इतनी मेरी अपील है। आप इतनी बड़े ताकत में आए हैं, हमारी ताकत बढ़ाइए। सोनिया जी जिंदाबाद। सुनिए, कांग्रेस भारत जिंदाबाद। दिल्ली में महंगाई कम करवा देंगे। मैं सिर्फ नेताजी का बहुत धन्यवाद करूंगी, इतनी बड़ी ताकत में उन्होंने इतनी महिला सशक्त करते यहाँ बुलाई है और इतना जोर से लड़ रही है उन सबके साथ। तो नेताजी के लिए भी हम आवाज उठाए, उनके साथ रहे। आप सब मैंने सुना, धन्यवाद। कम से कम महंगाई के खिलाफ तो आप दो शब्द बोले। मैं बुलंदर से दिल्ली से उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष महिलाओं की बहुत सशक्त आवाज है। अगर ये नेता डिसूजा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की कमान संभाली है और वहाँ पर बढ़ती महंगाई और पूरे देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना दस्तक रखेंगे, जो कि छोटी बच्ची आज हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है। ईवीएम में पूरे देश से हमारी बहनें इतने इतने बुजुर्ग हैं, इनको समझ में आ रहा है कि क्या घपला, क्या ड्रामा, क्या चाल चलिए। तो आप एक बात को समझिए, और ये इतने बुजुर्ग हैं, ये महंगाई के खिलाफ धरना देना दिल्ली आ सकती है। बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हुई है, केरल से, छत्तीसगढ़ से, ऑल इंडिया से महिला कांग्रेस है। मोदी बाबा जो खुद यूनिफॉर्म पहन रहा है, दूसरे के यूनिफॉर्म पे उंगली उठाता है, उसका पंडित को तो घंटा बजाना चाहिए, उसका क्या जरूरत है घंटा बजाए। बिल्कुल, और वेट कर रहे हैं यहाँ पर हम भी श्रीमती ईरानी, कब दो शब्द महंगाई के खिलाफ बोलेंगे। उम्मीद रही है कि वो बोलेंगे, बाकी वेट कर रहे हैं। और महंगाई के खिलाफ जो चौधरी सरकार को सपोर्ट करते हैं और चौधरी व्यापक आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि एक महिला है बच्चों को, और आप ध्यान रखिएगा अपना। जय जवान जय किसान। आप सब लोगों को जय महिला कांग्रेस।